वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 9th की एनसीईआरटी के ज्योग्राफी के बुक का एक्सरसाइज 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए अब इसे शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा जा रहा है कि प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी चैप्टर का नाम दिया गया है, क्या आपने कभी अपने स्कूल में, घर या आसपास के मैदानों में भांति भांति के वृक्ष, झाड़ी, घास तथा पक्षियों को देखा है? क्या वह एक ही प्रकार के हैं या अलग अलग तरह के हैं? भारत एक विशाल देश है, अतः इसमें अनेक प्रकार के जैव रूपों की कल्पना आप कर सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। जैसे हम भारत देश में रहते हैं और भारत को विविधता वाला देश कहा जाता है, मतलब यहाँ पे विविधता कहने का अर्थ है कि बहुत सारी चीज़ें जो है भारत में पाई जाती है। यहाँ पे लोग भी जो है, यहाँ पे जाति धर्म जो है सभी तरीके के लोग रहते हैं। यहाँ पे पशु पक्षी, पेड़ पौधे सभी की प्रजातियाँ जो है वो अलग अलग पाई जाती है। आपसे पूछा जा रहा है कि आप अभी कभी भी अपने घर के, स्कूल के आसपास जो है बहुत सारे मैदानों में पेड़ पौधों को, झाड़ियों को, घास और पक्षियों को देखे होंगे, क्या वो एक ही प्रकार के हैं? तो आप भी इसका आंसर दे सकते हैं कि हम जितने भी चीज़ों को देखते हैं, पशु पक्षी या घास का मैदान या पेड़ पौधा, वो सारे के सारे अलग अलग होते हैं। हमारा जो भारत देश है विश्व के मुख्यतः 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। मतलब पूरे विश्व में जैव विविधता जो पाई जाती है, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु, पशु पक्षी और पक्षियाँ, ये सारे के सारे जो हैं, इनमें भारत जो है 12वें नंबर पे आता है जैव विविधताओं में। लगभग भारत में जो है 47,000 प्रजातियाँ हैं पौधों की। इसी कारण जो है देश विश्व में 10वें स्थान पर है और एशिया में 4थे स्थान पर भारत पाया जाता है। 10वें और एशिया में 4थे स्थान पर पाए जाने के कारण भारत में लगभग जो है 15,000 फूल के भी पौधे हैं। 47,000 प्रजातियों के अलावा जो है हमारे भारत में 15,000 फूल के प्रकार पाए जाते हैं। विश्व में फूलों के पौधों का 6% मतलब भाग है भारत। आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि 6% जो है वो भारत में फूल उगते हैं। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे कि कुछ कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो बिना फूल वाले हैं। फर्न, सैवाल, एल्गी, कवक, फंजाई भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जाति के जानवर और विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, ताजे तथा समुद्री पानी भी पाई जाती है। मतलब भारत में जो है केवल जीव जंतु की प्रजातियाँ ही नहीं बल्कि फूल की भी प्रजातियाँ अलग अलग है, और इसके अलावा जो है बिना फूल वाले पौधे भी कुछ कुछ पाए जाते हैं। टोटल मिलाकर यहाँ पे 90,000 जातियाँ जो हैं वो जानवरों की भी हैं, जिसमें कि मछलियाँ भी आती हैं और साथ ही अलग अलग प्रकार के ताजे तथा समुद्रों में ये मछलियाँ जो हैं वो पाई जाती हैं। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ क्या होता है कि वनस्पति का वह भाग जो मनुष्यों की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है, मतलब जिसको प्रकृति पैदा करती है, जिसमें मनुष्य का कोई भी सहयोग नहीं होता है। इसका एग्जांपल आप खुद भी देख लीजिए कि जंगल में जो पौधे विकसित होते हैं, क्या उसमें मनुष्य किसी भी तरीके का सहायता प्रदान करता है? नहीं। जंगल में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकृति के द्वारा अपने आप उगते हैं। तो ऐसे पौधों को हम क्या बोलते हैं, या ऐसी कोई जाति है जिस पर मनुष्य का असर नहीं पड़ता है, तो उसे अक्षत वनस्पति कहते हैं, या प्रकृति के द्वारा उगती हैं। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिकृत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग है, परंतु जो है प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। मतलब बहुत सारे मनुष्यों ने अब अपने मतलब वैज्ञानिक पद्धतियों के कारण जो है आज विश्व में अपनी एक अलग पहचान बना ली है, जिससे कि मनुष्य क्या करता है, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे लगाता है, बहुत सारे फूलों के बागान लगाता है, अलग अलग फलों की भी खेती करता है, अलग अलग अन्न भी उपजाता है। तो इन सबको हम प्राकृतिक वनस्पति का भाग मान तो सकते हैं, लेकिन उसे प्राकृतिक वनस्पति की श्रेणी में नहीं डालेंगे, क्योंकि ये मनुष्यों के द्वारा मतलब चीज़ें की जा रही है जिस पर मनुष्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसको हम अक्षत वनस्पति कहेंगे। लेकिन विभिन्न प्रकार की कृषिकृत फसलें, फल और बागान वनस्पति का जो भाग है वो परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसे देशज कहते हैं। मतलब जो वनस्पति हमारे भारत देश की है उसे देशज वनस्पति कहेंगे, लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उन्हें हम विदेशज कहेंगे। इस तरीके से आप खुद भी अंतर कर सकते हैं कि भारत में पाए जाने वाले जितने भी पेड़ पौधे हैं और जितने भी फल फूल हैं वो सब देशज हैं, और भारत के बाहर से जो हमारे यहाँ आते हैं, जो हमारे भारत में नहीं पाए जाते हैं, उनको हम विदेशज की श्रेणी में रखेंगे। अगर आपको देशज और विदेशज के बारे में पता है कि कौन सी चीज़ें भारत में पाई जाती हैं और कौन सी भारत के बाहर आती हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे देखते हैं। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ है किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधे की उत्पत्ति। इस तरह
प्राणी जगत जानवरों के विषय में बतलाता है। वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में इतनी विविधता निम्नलिखित कारणों से, मतलब हमारे भारत में जिसको विविधता वाला देश कहा जाता है, तो भारत में इतनी विविधता क्यों है? तो चलिए हम इसके बारे में जानेंगे कि भारत में इतनी विविधता इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो वनस्पति हैं और जितने भी वन्य प्राणी हैं, इसमें मतलब अंतर किस किस चीज़ का पड़ता है? तो धरातल भूभाग का पड़ता है, मिट्टी का पड़ता है, जलवायु तापमान का पड़ता है, मतलब इन सारी चीज़ों के कारण जो है भारत में विविधता पाई जाती है। क्योंकि भारत में धरातल यानी कि भूमि जो है वो एक प्रकार की नहीं है, यहाँ पर भूमि जो है वो बहुत अलग अलग प्रकार की है। कहीं हमें ऊबड़ खाबड़ देखने को मिलती है, कहीं हमें समतल मैदान देखने को मिलता है। तो भूमि का वनस्पति व प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। क्या पर्वत तथा मैदान और शीतोष्ण कटिबंध में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती है? जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जैसे गरम मसाला या काजू किसमें जितने भी ड्राई फ्रूट होते हैं, उनकी खेती जो है ठंड वाले इलाकों में ज़्यादातर होती है, हम जो है उन्हें अपने यहाँ नहीं उगा सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें कि आप सेब की खेती कर लेंगे तो वैसा संभव नहीं है, क्योंकि उस तरीके का इसको ह्यूमिडिटी चाहिए, वातावरण ऐसा मिलना चाहिए, ऐसी मिट्टी, ऐसा ज़मीन और ऐसी जलवायु मिलनी चाहिए जहाँ पर हम सेब या फिर गरम मसाले या फिर कोई भी मतलब ड्राई फ्रूट जिसकी हम खेती कर सके। तो हमारे यहाँ उन चीज़ों का खेती जो है वो संभव नहीं। उसी तरीके से जो बिहार में जिस प्रकार की खेती होती है तो वो बाहर जम्मू कश्मीर या फिर अन्य पहाड़ी क्षेत्रों जैसे देशों में जो है शहरों में संभव नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर जगह की ह्यूमिडिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। हर जगह का वातावरण, मिट्टी जो है वो अलग अलग होता है। इस कारण जो है वनस्पति पर इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। उपजाऊ भूमि पर प्रायः कृषि की जाती है। आप जानते भी होंगे कि सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन होती है, जलोढ़ मिट्टी, जो बहुत जगह जहाँ भी पाई जाती है वहाँ पे खेती की स्थिति क्या होती है, अच्छी होती है। और जिस जगह नहीं पाई जाती है वहाँ पे खेती की स्थिति जो है वो कम होती है या फिर नीचे होती है। बाकी अन्य जहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जा रही है वहाँ पे खेती अच्छे प्रकार से कर सकते हैं, हम अन्न भी उपजा सकते हैं उतने ही समय में, ज़्यादा अन्न। लेकिन जिस जगह पे जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है वहाँ पे हम कम अन्न उपजा सकते हैं। उसके अलावा जो ऊबड़ खाबड़ भूमि होती है वहाँ पे खेती करने में थोड़ा सा जो है वो दिक्कत आता है। उसके बाद जो ऊबड़ तथा असमतल भूभाग पर जंगल, घास के मैदान जिनमें वन प्राणियों को आश्रय भी मिलता है। इसके अलावा जो जंगल में कुछ कुछ मैदान ऐसे है जहाँ पे जानवर भी बसेरा करते हैं, मतलब जानवर भी जो है वो अपना घर बनाकर रहते हैं। उसके बाद है मिट्टी। मिट्टी जो है सभी जगह की मिट्टी भी वो अलग अलग होती है। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जो विभिन्न प्रकार की वनस्पति का आधार है। मरुस्थल में जो पाई जाने वाली मिट्टी है वो बलुई होती है। यहाँ पे कटीली झाड़ियाँ होती हैं और नदियों के डेल्टा के क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्वतों की ढलानों में जहाँ पे मृदा की परत गहरी होती है वहाँ पे शंकुधारी वन पाया जाता है। शंकुधारी वन जो है इस प्रकार के हैं क्योंकि ये ज़्यादातर आपको पहाड़ी इलाके में मिलेंगे, और हमारे यहाँ जो समतल मैदान है जहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वहाँ पे खेती वगैरह क्या होती है, अच्छे से हो सकती है। अब जलवायु का क्या अंतर पड़ता है तापमान से? वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर निर्भर करती हैं। हिमालय पर्वत की ढलानों पर प्रायद्वीप पठारी में 915 मीटर की ऊंचाई के ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है और उसे उष्णकटिबंधीय में उपोषण शीतोषण तथा अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित कर देती है। मतलब जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ की तो जमीन समतल होती नहीं है, तो वहाँ की जलवायु का असर और वहाँ की भूमि का असर जो है खेती पर पूर्ण रूप से पड़ता है। वहाँ पे हम जो है मतलब समतल भूभाग पे जो खेती कर सकते हैं वो पहाड़ी इलाकों पर खेती नहीं कर सकते हैं। तो पहाड़ी इलाकों पर खेती जो है आपको पता होना चाहिए कि पहाड़ों को काट काट कर की जाती है, जिसको हम झूम विधि खेती करते हैं और कर्तन दहन प्रणाली। यहाँ पे जो है होता क्या है कि पहाड़ों को काट काट कर खेती की जाती है झूम विधि से। उसके बाद इस भूमि को उर्वर बनाने के लिए जो बचे खुसे छोटे छोटे पौधे होते हैं, घास वगैरह, उसमें आग लगा दी जाती है। आग लगाने से क्या होता है कि यही जो चीज़ें हैं ये उर्वर बन जाती है खाद, और यही जो है कृषि में सहायता प्रदान करती है। तो यहाँ पे हम हर प्रकार की फसल जो है वो नहीं उगा सकते हैं। अब आ जाइए यहाँ पे कि वनस्पति खंडों में तापमान की विशेषता क्या है। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि किस तरीके का जो वातावरण है, जो मौसम है, उसके पड़ने से मतलब क्या क्या किस प्रकार की वनस्पति होगी और कितना असर पड़ेगा। तो वनस्पति खंड में जहाँ पे उष्ण यानी कि गर्मी है 24 डिग्री से अधिक है और 18 डिग्री से अधिक है जनवरी में, तो यहाँ पे जो है कोई पाला नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई भी पाला जो है वो नहीं है। ये लिखा गया है वनस्पति खंडों में तापमान की विशेषता से। उसके बाद उपोषण है 17 डिग्री से 24 डिग्री सेंटीमीटर तक, और जनवरी में जो औसत है 10 डिग्री से 18 डिग्री। यहाँ पे भी पाला कभी कभी पड़ता है, मतलब गर्मी वाले इलाकों में जहाँ पे गर्म ज़्यादा होता है वहाँ पे पाला यानी कि बर्फ नहीं पड़ता है, और जिस जगह पे मतलब 17 डिग्री से लेकर 24 डिग्री से और 10 सेंटीमीटर से 18 सेंटीमीटर तक होती है तापमान, तो यहाँ पे आपको पाला कभी कभी देखने को मिलता है। और शीतोष्ण में जहाँ पे ठंड थोड़ी ज़्यादा होती है
60 डिग्री से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस से -1 डिग्री सेल्सियस से लेकर -10 डिग्री सेल्सियस तक। तो यहाँ पे कभी कभी पाला जो है और कभी कभी हमें बर्फ भी देखने को मिलता है। और अल्पाइन जहाँ पे है 60 डिग्री से कम और -1 डिग्री यहाँ पे बर्फबारी होती है। इन जगहों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस जगह पे ज़्यादा ठंड पड़ती है, जैसे कि जम्मू कश्मीर वगैरह में, तो वहाँ पे ठंड पड़ती है अधिक, इसलिए जो खेती की जाती है वहाँ पे अलग अलग प्रकार की खेती की जाती है। मतलब हम लोग यहाँ जो बिहार में फसलें उगाई जाती हैं वहाँ जम्मू कश्मीर में नहीं उगाई जाती। जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर जो है कश्मीर और ड्राई फ्रूट की खेती वगैरह होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सूर्य का प्रकाश किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई तथा ऋतुओं पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष की गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। अब जहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है, मतलब अगर प्रॉपरली किसी भी पौधे को मिल रहा है अच्छे से सूर्य का प्रकाश, तो आप यह बात बखूबी जानते होंगे कि एक पौधे को बढ़ने में जल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए अच्छे तरीके से, तभी वो मतलब क्या होगा अच्छा सा वृक्ष जो है वो बन पाएगा। तो सूर्य का प्रकाश जो वो अधिक महत्वपूर्ण होता है पौधों के विकसित होने में, तो वनस्पति पर जो है सूर्य के प्रकाश का भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और स्थान का प्रभाव तो मोस्टली पड़ता है, क्योंकि जिस जगह पे बहुत ज़्यादा गर्मी है और सूर्य का प्रकाश पड़े तो वहाँ पे जो खेती की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी। ऐसे आप अगर राजस्थान और गुजरात की बात करें तो वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो उन जगहों पर मिट्टी के भी कारण जो है बहुत उत्तम खेती नहीं की जा सकती है। लेकिन हमारे यहाँ बिहार में और जहाँ पे समतल मैदान और जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, वहाँ पे ये सूर्य का प्रकाश भी काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। वहाँ पे सूर्य के प्रकाश के ही कारण जो है बहुत सारे वृक्ष जो है वो काफ़ी अच्छे से बढ़ पाते हैं। आगे है, हिमालय पर्वत की दक्षिण ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा ज़्यादा संघन वनस्पति क्यों होती है? आपसे पूछा जा रहा है कि हिमालय पर्वत की दक्षिणी ढलानों पर जहाँ पे उत्तरी ढलान की अपेक्षा संघन वनस्पति क्यों है, तो वहाँ का मैदान क्या होगा? मतलब थोड़ा बहुत तो समतल अवश्य होगा कि ताकि यहाँ पे जो पेड़ पौधे उगाए जाते हैं वहाँ का जो मतलब जलवायु है वो अच्छा होता है, ताकि पेड़ पौधों को बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलता है। और वहीं पे जो है शंकुधारी वन भी उगते हैं, जिससे वो पूरे घने हैं, मतलब पूरी तरीके से जो है शंकु वृक्ष से पूरा एरिया घिरा हुआ है, मतलब एकदम जो है छायादार वन है वहाँ पे घिरे हुए। तो इसी कारण जो है हिमालय पर्वत की दक्षिण ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा ज़्यादा संघन वनस्पति होती है। वर्षण, भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून जून से जो है वर्षा का आरंभ हो जाता है, और यह वर्षा सितंबर तक चलती है एवं पीछे हटते रहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा संघन वन अधिक पाया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्षा होने के कारण क्या हो सकता है वहाँ पे बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाएगी, तो जो भी वनस्पति है वो पानी में डूब जाएंगे। तो इस कारण जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा कम वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे वन जो है वो ज़्यादा अच्छा पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पर पूर्वी ढलानों की अपेक्षा अधिक संघन वनस्पति क्यों है? यहाँ पे वही बात पूछा जा रहा है कि पश्चिमी घाट पर पश्चिमी ढलानों की अपेक्षा यहाँ पे संघन वन क्यों पाए जाते हैं? तो वहाँ के मौसम के कारण, मतलब जो बारिश अगर ज़्यादा होगी तो वनस्पति बाढ़ के पानी में डूब जाएंगे, खराब हो जाएंगे, और जहाँ पे मतलब सामान्य वर्षा होती है वहाँ पे जो मतलब वनस्पति है उनकी स्थिति क्या होगी? अच्छी होगी। आपसे पूछा जा रहा है कि आपने कभी सोचा है कि वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है? तो वन नवीकरणीय योग्य संसाधन है। इसका तो आप एक शब्द में आंसर दे नहीं सकते कि वन आपके लिए क्यों उपयोगी है, क्योंकि वन से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। आप भी सोचें कि वन से हमें क्या क्या मिलता है, फल फूल, उसके अलावा जड़ी बूटी, पौधे और लकड़ियाँ भी मिलती हैं, खाने के लिए भोजन भी मिलता है, और हम लोग पेड़ पौधों से आजकल तो बहुत सारे कुछ बना सकते हैं, चौकी, फर्नीचर वगैरह सब। तो कहने के लिए मात्र ये नहीं कि वन से हमें क्या मिलता है, वन से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। वन नवीकरणीय योग्य संसाधन और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने का मुख्य भूमिका निभाते हैं ये वनस्पति। ये स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा नियंत्रित करते हैं। ये बहुत सारे उद्योगों के आधार है तथा कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। ये मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये पवन तथा तापमान को नियंत्रित करते हैं और वर्षा लाने में भी सहायक होते हैं। इससे मृदा को जीवाश्म मिलता है और अन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं कि वनस्पति सबसे पहले जानवरों का घर भी है, उसके अलावा तो वनस्पति से हमें एक चीज़ें मिलती नहीं है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। वर्षा में ये वनस्पति काफ़ी ज़्यादा सहायता प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे मुख्य रूप से वर्षा को लाने में एकदम बिल्कुल भी सहायता हमें प्रदान करते हैं। उसके अलावा जो है पेड़ पौधे जो हैं ऑक्सीजन के बहुत बड़े स्रोत हैं। ये वातावरण से जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। इसके अलावा जो पेड़ पौधे हैं वो मिट्टी की जड़ों को कसकर पकड़े रहते हैं, जिसके कारण जो बाढ़ की स्थिति आती है तो वो मिट्टी की परत को बहने नहीं देते हैं। तो आपको भी बहुत सारे कारण ऐसे पता होंगे। उसके अलावा वनस्पति देखने में इतने सुंदर होते हैं कि इनको दूर दूर से लोग जो है वो देखने के लिए आते हैं, और हमें वनस्पति से बहुत सारी औषधियाँ भी प्राप्त होती हैं, यानी कि मेडिकल स्रोत में भी ये हमारे लिए काम आती हैं। उसके आगे है, भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों से बहुत बदलाव आया, जैसे कि कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग, उद्योगों का विकास, शहरीकरण, परियोजनाएं
और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के कारण वन्य क्षेत्र कम हो रहा है। मतलब आजकल जो है वनस्पति और जंगलों की कटाई बहुत ज्यादा हो रही है, बड़े बड़े औद्योगिकरण आने के कारण फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए जंगल जो है वो बहुत ज्यादा काटे जा रहे हैं, जिसके कारण वनस्पति में कमी आ गई है। अगर आए समय में वनस्पति में कमी आती है तो वर्षा में भी दिक्कत होगी, ऑक्सीजन में भी कमी हो जाएगी और वातावरण शुद्ध भी नहीं रह पाएगा। तो वनस्पति होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, लेकिन अगर वनस्पति हम बहुत ज्यादा काट देते हैं तो पशु भी क्या हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे। परियोजनाकार, अपने स्कूल गली मोहल्लों में वन महोत्सव का आयोजन करो और वृक्षों के पौधे लगाओ, उनकी देखभाल करो और देखो वो कैसे बढ़ते हैं। मतलब आप लोग भी अपने अगर आसपास रहते तो आप भी पौधे के शौकीन बनिए, क्योंकि पौधा लगाना बहुत ही अच्छी बात होती है। मतलब बहुत सारे कार्य के लिए भारत या विश्व में बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं, तो जितने भी पेड़ वो काट रहे, अगर हम अपने खुद से अगर एक पौधा भी लगाते हैं हर एक व्यक्ति, तो सोचिए कितने ज्यादा पौधे लग सकते हैं। अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे नेता जो है अपने जन्मदिन के अवसर पर जो है पेड़ पौधे लगाते हैं, आप भी अपने जन्मदिन के अवसर पर पेड़ पौधे लगा सकते हैं। आप किसी महीने या हफ्ते दिनों में वन महोत्सव की तैयारी करें। वन महोत्सव कोई कार्यक्रम बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन अगर आप अपने आसपास करते हैं तो आप प्रकृति को एक अनमोल उपहार प्रदान कर सकते हैं। आप अपने अगल बगल में मोहल्ले टोले में वनस्पति प्रतियोगिता आरम्भ कीजिए, वन महोत्सव लगाइए, यहाँ पे सभी बच्चों को पेड़ पौधे लगाने के लिए अग्रसरित करें, और आपको देखकर आपसे बड़े भी सीख सकेंगे, और अगर हम पेड़ लगाते तो वो हमारे लिए लाभदायक ही होंगे। आगे है, सन 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। भारत के बहुत से भागों में वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है। कुछ अगम्य क्षेत्रों को छोड़कर जैसे कि हिमालय और मध्य भारत में कुछ भागों में मनुष्य के हस्तक्षेप से प्राकृतिक वनस्पति आंशिक या संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी है या फिर बिल्कुल निम्न कोटि की हो गई है। 2003 के बाद जो है वनों का मतलब कुल क्षेत्रफल जो है 68 लाख वर्ग किलोमीटर था, अब धीरे धीरे इसमें बहुत ज्यादा कमी आ गई है। इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि जनसंख्या वृद्धि होने के कारण जो है दिन प्रतिदिन जंगलों की सफाई करती होती जा रही है, क्योंकि व्यक्ति रहेगा कहाँ, तो उसे तो कोई स्थान अवश्य ही चाहिए। इसके अलावा जो है अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो मनुष्य को खाने की भी आवश्यकता तो बढ़ेगी ही, तो खाने के कारण भी क्या है कि जंगल जो है नित प्रतिदिन काटे जा रहे हैं। उसके बाद देखिए ये परियोजना कार्य है, जब हम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे तो आपको ये परियोजना कार्य भी समझा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 2011 में भारत में कुल वनों का क्षेत्रफल जो है भारत के क्षेत्रफल का मात्र 21.05% रह चुका है, और पहले देखिए यह जो है 68 लाख वर्ग किलोमीटर था, तो इसमें बहुत ज्यादा कमी आ गई है। हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कमी को दूर कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे एक डाटा दिया हुआ है जिसको हम समझते हैं। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ये जो है आपके बुक में भी दिए गए होंगे। देखिए ये वनों का क्षेत्रफल है कि किस जगह जो है वन कितने पाए जा रहे हैं। पुंडीचेरी में देखिए, लक्षद्वीप में देखिए, दमन और दीव में, दादर नगर हवेली में, चंडीगढ़ में। आपको ये आंकड़े देखिए आसानी से पता चल रहे होंगे कि किस जगह जो है पेड़ बहुत ज्यादा कम है। देखिए सबसे ज्यादा जो पेड़ है वो मिजोरम में आपको देखने को मिलेगा, कि मिजोरम में जो है पेड़ों की संख्या काफी ज्यादा अच्छी है। उसके अलावा जो है लक्षद्वीप में भी पेड़ों की संख्या ठीक ठाक है, फिर अंडमान निकोबार में भी पेड़ों की संख्या ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में भी, जिस जगह पे देखिए बिहार में पेड़ों की स्थिति कितनी ज्यादा कम है। हम भी क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक पेड़ लगाकर जो है अपने बिहार राज्य को भी इन वनों महोत्सव में क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो हर राज्य को क्या करना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, ताकि जो भी कमियां आ रही हैं उसको हम लोग दूर कर सके। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे वनों का क्षेत्रफल दिया हुआ है कि मतलब किस तरीके के वन पाए जाते हैं भारत में। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियां, पर्वतीय वन और मैग्रोव वन। देखिए यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है पेड़ के बारे में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं वो कितने ऊंचे होते हैं, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है 1.5 मीटर से। ये झाड़ी परत होती है, 5 मीटर की ऊंचाई पर परत होती है। ये नवीन वृक्ष है जो नए पौधे उगते हैं, ये 20 मीटर की ऊंचाई है। ये वितान परत है, उसके अलावा ये 40 मीटर है, और जो है ये 60 मीटर से अधिकतम ऊंचाई पर स्थित रहती है। तो ये जो वृक्ष है आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसकी ऊंचाई जो है वो काफी ज्यादा होती है, जिसके बारे में हमने जाना। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्या है, ये वन पश्चिमी घाटों में अधिक पाए जाते हैं और वर्षा वाले क्षेत्र में से कि आपको ये कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, तो लक्षद्वीप में आप इसे देख सकते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, असम के ऊपरी भागों में, तमिलनाडु के तट तक ये सीमित है। ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित है जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु भी पाई जाती है। मतलब यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा होती है, 200 सेंटीमीटर से वर्षा अगर होती है तो वो काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन यहाँ पे जो है 60 मीटर जो है वृक्ष या इससे अधिक ऊंचाई तक ही पहुंच पाते हैं। यहाँ पे वृक्षों की ऊंचाई जो है वो 60 मीटर रहती है और थोड़ा सा उससे ऊंचा, क्योंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं और यहाँ पे हर प्रकार की वनस्पति वृक्ष झाड़ियाँ और वो लताएं उगती हैं।
और वनों में इसकी विभिन्न ऊंचाई के कई स्तर भी हमें देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता, अतः यहाँ पे वन साल भर हरे भरे लगते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वन जो है उसका नाम है आबनुस, एबोनी, महगोनी, रोजवुड, रबर और सिकोनी है। आपको ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो लक्षद्वीप वाले क्षेत्र हैं, जहाँ लक्षद्वीप, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार असम में, वहाँ पर किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, उनके नाम क्या है। तो आबनुस, एबोनी, महगोनी, रोजवुड और रबर सिकोना है, ये मुख्य वृक्ष है। और इन वनों में सामान्यतः कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, तो हाथी, बंदर, लेमूर, हिरन और एक सिंह वाला गेंडा। असम और पश्चिमी बंगाल में दलदली क्षेत्र में ये सारे मिलते हैं। यहाँ पे एक भारत का मैप दिया गया है, देखिए इसमें क्या क्या दिया जा रहा है। मानचित्र को देखकर पता लगाने की कुछ राज्यों में वनों का विस्तार अधिक क्यों है, जैसे कि यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, देखिए एक एक करके हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है, देखिए आपको एक यहाँ दिख रहे होंगे और एक यहाँ है यहाँ पे आपको बांग्लादेश के ठीक नीचे और बांग्लादेश के ठीक ऊपर भी आपको जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन दिख रहे होंगे। देखिए कि बहुत जगह जो है सदाबहार वन नहीं पाए जाते, तो इन जगहों पर वर्षा काफी ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे ये वन पाए जाते हैं। उसके बाद उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, देखिए इनका क्षेत्र जो है वो कितना बड़ा है भारत में। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है, देखिए इनका क्षेत्र यहाँ से लेके यहाँ तक आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यहाँ कितने पाए जाते हैं। पर्वतीय वन जो है, जो पर्वत वाले इलाकों में उगते हैं, उनकी संख्या भी क्या है, काफी कम है। मैग्रोव वन भी जो है उसकी संख्या भी काफी कम ही है। उसके अलावा जो उष्णकटिबंधीय कटीले वन है, यहाँ आप देख सकते हो उष्णकटिबंधीय कटीले वनों को, उनकी भी संख्या जो है वो काफी कम है। मतलब सबसे ज्यादा जो पाए जाने वाले हैं वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आपको दिख रहे होंगे, और पर्वतीय वन जो है पर्वत वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, भूटान और नेपाल के पास दिख रहे होंगे। तो चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, ये वीडियो का पार्ट वन था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इसे अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें।